हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज एक बहुत अच्छी टिप, थोड़ा सा टैकी है। कई बार क्या होता है कि जो जियो के फ़ोन होते हैं जिनमें जियो का सिम डला रहता है, मतलब सिम जो यूज़ करते हैं वो किसी भी फ़ोन में हो सकता है, एंड्रॉयड में या किसी में भी, जियो सिम में भी या मतलब जियो मोबाइल में भी, एंड्रॉयड में भी, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि आप जब आपको कॉल लगाता है तो मतलब स्विच ऑफ फ़ोन आ रहा होता है या कॉल लगती है और कट जाती है। तो उसका क्या रीज़न है, आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं अपने आप से? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे, मतलब उसे आप प्रॉब्लम को अपने मोबाइल से ठीक कर सकते हैं परमानेंटली। बस उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हाँ भाई, ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए। आपके पास कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन है तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें उसकी सेटिंग्स में जाना है। जैसे ये हमारा फ़ोन है, सेटिंग्स में जाके नेटवर्क और इंटरनेट का ऑप्शन देखना है, और हमें क्या चूज़ करना है, मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क में जहाँ आपके सिम डले रहते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो उसमें जियो में प्रॉब्लम है तो हम उसका सेलेक्ट करेंगे। और ये वोल्ट टी वॉइस ओवर डेटा, तो ये जो सर्विस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, इसे ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स होती। तो ये प्रॉब्लम आप ऐसे ओवरकम कर सकते हैं, आप इसे ठीक कर सकते हैं। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। आजकल सबके टच फ़ोन होते हैं तो पता नहीं चलता है जल्दी जल्दी फ़ोन बंद करने में, या हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो सर्विस ऑफ हो गई हो आपसे, ऐसा भी हो जाता है। जानबूझ कर तो कोई नहीं करता है, या आप कोई आपके फ़ोन में कर देता है तो वो बात अलग है। तो आप इस सर्विस को हमेशा ऑन रखिए, तो आपके फ़ोन में कभी कोई इशू नहीं आएगा, हमेशा कॉलिंग आती रहेगी और आप कॉल कर भी सकते हैं। तो ये एक छोटी है लेकिन ये बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम है जो बहुत आप मतलब देखने को मिलती है। ऐसी कुछ और जानकारी के लिए तब तक मिलते हैं। बाय बाय।